बॉलीवुड एक्ट्रेस जिया खान सुसाइड केस एक बार फिर चर्चा में आ गया है। दरअसल उनकी मां राबिया खान गुरुवार को स्पेशल कोर्ट में अपनी गवाही दर्ज कराने पहुंची थी। उन्होंने कोर्ट में एक्टर सूरज पंचोली पर गंभीर आरोप लगाए। इसके साथ ही उन्होंने कहा यह मर्डर है। पुलिस और सीबीआई दोनों में से किसी को भी ऐसा कोई सबूत नहीं मिला कि मेरी बेटी जिया ने खुदकुशी की थी। राबिया ने कोर्ट में स्पेशल जज एएस सैयद के सामने कहा जिया खान केस आत्महत्या का नहीं मर्डर का है। 3 जून 2013 को जैसे ही मैंने जिया का बेडरूम खोला तो वह दुपट्टे से लटकी मिली। इसके तुरंत बाद मैंने एक्ट्रेस अंजू महेंद्रू को फ़ोन किया, फ़ोन कर जिया के बारे में बताया। वह तुरंत ही मोइन बैग के साथ घर पहुंची और हमने जिया के गले से फंदा खोला। हम कोशिश करने लगे कि जिया की सांस लौटे। मैंने नॉर्मल सीपीआर देना शुरू कर दिया। मोइन भागकर डॉक्टर को लेकर आए और उन्होंने जिया को मृत घोषित कर दिया। अपनी गवाही में राबिया ने आगे कहा मुझे अंजू ने सूरज का नाम नहीं लेने को कहा था क्योंकि उसके पिता आदित्य अंडरवर्ल्ड से जुड़े हैं और उनका राजनीतिक में अच्छा रसूख है। वह बहुत ही खतरनाक आदमी है। पुलिस जिया का मोबाइल समेत सारा सामान अपने साथ ले गई। मैंने उसकी स्क्रीन पर सूरज के ढेर सारे मैसेज और मिस कॉल किए। जिया ने 3 जून 2013 को अपने जुहू अपार्टमेंट में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। उनकी मौत के कुछ दिन बाद उनके घर से 6 पेज का सुसाइड नोट मिला था जो जिया के बॉयफ्रेंड सूरज पंचोली के नाम था। इस नोट से जिया के सूरज के साथ बिगड़ते रिश्तों के कारण नर्वस ब्रेकडाउन सहित कई खुलासे हुए थे। इसके बाद उनकी मां ने सूरज पर केस दर्ज किया और आरोप लगाते हुए कहा कि सूरज ने जिया को आत्महत्या के लिए मजबूर किया था। इस मामले की जांच सीबीआई कर रही है। वहीं सूरज फिलहाल जमानत पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, आईपीएल।